मेरा नाम है हरिओम राठौर और आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है दोस्तों, वह है मिनी सीलिंग फैन, जिसमें कि देखिए दोस्तों पूरी तरह से यह जाम है, घूम नहीं रहा है और वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शनों को बाहर निकाल लेते हैं। यह थ्री ब्लेड का सीलिंग फैन है, जिसमें कि तीन इसकी पंखी रहती हैं। यह कैपेसिटर वायर हैं, जिसको कि हम बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार अब हम इसको सीरीज लैंप के द्वारा टेस्ट करेंगे कि हमारी सीलिंग फैन की बाइंडिंग सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसके कैपेसिटर वायरों में सीरीज की केबल लगाते हैं। तो देखिए बल्ब धीमा जल रहा है। जिन दो वायरों में बल्ब की रोशनी धीमी रहती है, कम रहती है, वह हमारे कैपेसिटर वायर होते हैं। तो बाइंडिंग पूरी तरह ओके है। तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, मैंने फैन को ओपन कर लिया है। यह इसका रोटर है, यह इसकी स्प्रिंग है और यह बैरिंग देखिए दोस्तों पूरी तरह जाम है, घूम नहीं रहा है। तो हम इसके दोनों बैरिंगों को बदलेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम पुलर का भी उपयोग कर सकते हैं, पर मैं एक लोहे की रॉड से यह एक मिनी सील कूलर फैन आता है, उसकी सापट है, जिसके द्वारा हम इस ऊपर वाले बैरिंग को आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार हमने ऊपर वाले इस बैरिंग को बाहर निकाल लिया है और दूसरे जो कवर है हमारा, इस बैरिंग को हम एक पुलर की सहायता से बाहर निकालेंगे, जो कि यह देखिए दोस्तों 6202 जो बैरिंग रहता है उसको निकालने के लिए यह पुलर आता है। इसमें यह पत्ती रहती है, जिसको बीच में डालकर इस प्रकार घुमाते हैं तो बड़ी ही आसानी से बैरिंग कवर से बाहर निकल आता है। तो देखिए दोस्तों बैरिंग बाहर निकल आया है। अब हम इसके दोनों बैरिंगों को बदलेंगे। तो यह हमारे पुराने बैरिंग है और यह हमारा नया बैरिंग है, जिसका कि नंबर 6002 है, और यह दूसरा बैरिंग है जिसका नंबर 62001 है। तो चलिए अब हम इसके बल्बों में बैरिंगों को सेट कर लेते हैं।
इन बेरिंग को सावधानी पूर्वक बल्बों में सेट किया जाता है। तो अब हम दूसरा बेरिंग ऊपर वाले कवर में सेट कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने बेरिंग चेंज कर लिए हैं। तो अब हम इस स्टेटर में बल्बों को सेट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा स्टेटर अच्छी तरह घूमने लगा है और आवाज भी नहीं आ रही है। इसके बाद हम इसमें एक स्प्रिंग जो रहती है उसको डालेंगे और दूसरे कवर को सेट करेंगे और इसके स्क्रूओं को अच्छी तरह मिलाकर टाइट करेंगे ताकि चलते वक्त कोई भी आवाज नहीं आए। और बेरिंग को हम इस प्रकार बड़ी ही आसानी से मिनी सीलिंग फैन 3 ब्लेड को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा सीलिंग फैन अच्छी तरह घूमने लगा है और वर्क करने लगा है। तो अब हम इसको कैपेसिटर कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें 2.5 MFD का कैपेसिटर यूज होता है। तो कैपेसिटर कनेक्शन कर लेते हैं। यह हमारा कॉमन वायर है और ये दोनों हमारे कैपेसिटर वायर हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हम कनेक्शनों को कर लेते हैं। कैपेसिटर वायर में कनेक्शन जोड़ने के बाद अब हम सीरीज लैंप से इसको घुमाकर देखेंगे। तो सीरीज लैंप में स्विच लगाने के बाद एक वायर हमारा कॉमन वायर में और दूसरा कैपेसिटर वायर में लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा फैन इस प्रकार घूमता है। तो यह सही दिशा में घूम रहा है। यदि रनिंग कॉइल में सही दिशा में नहीं घूमता है तो रेड कलर का वायर हम आपस में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो हमारा फैन सही दिशा में घूमने लगेगा। पर अभी यह सही दिशा में घूम रहा है, इसलिए वायर बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम इस कंडेंसर क्लैंप में कनेक्शनों को इस प्रकार कर देते हैं। कनेक्शन करने के बाद आप देखिए, यह जो कॉमन वायर है सबसे ऊपर है, बीच में स्टार्टिंग वायर है और सबसे नीचे रनिंग कैपेसिटर वायर है। इस प्रकार हम कनेक्शन करते हैं। अब हम आखिरी इसका कार्य, इसको टेस्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा फैन सीरीज लैंप से हम टेस्ट कर रहे हैं और अच्छी तरह घूमने लगा है, वर्क करने लगा है और किसी प्रकार की आवाज़ भी नहीं आ रही है। इस प्रकार हम मिनी सीलिंग फैन के बेरिंग को बदल सकते हैं। तो वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक कर देना, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। यह हमने इसके पुराने बेरिंगों को बदल दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।